जय श्री राम। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके आप छोले बनाने की रेसिपी देख सकते हैं। तो आइए अब हम बनाने जा रहे हैं भटूरे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा ले लिया है, जिसको आप परात या किसी भी बड़े से बर्तन में छान लेंगे, और 50 ग्राम यहाँ पर सूजी लेंगे। सूजी से हमारे भटूरे बहुत अच्छे फूलते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच अजवाइन डाल लिया है, एक छोटा चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरह से मैंने बारीक करके डाल ली है। अगर हम कसूरी मेथी को बारीक करके नहीं डालेंगे तो उससे भटूरे बेलते टाइम भटूरे फट सकते हैं। एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल डाल लिया है। आप जो भी ऑयल अपने खाने में यूज करें वो इसमें डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक गिलास छाछ ले लिया है, जिसको सीत भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दही भी ले सकते हैं। अगर दही भी नहीं है तो आप यहाँ पर उसमें आटा बनाने के लिए इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ही डाल लेंगे, आटा गूंदेंगे। जब इस आटे को हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल मीडियम डालेंगे। सीत डालने से हमारा खमीर बहुत अच्छा उठता है, जिससे कि भटूरे बहुत टेस्टी बनते हैं। ये भटूरे बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छाछ लगा करके ढक देंगे और रख देंगे साइड में। अब 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे, और इसको इस तरह से एक बार आटे को सेट कर लेंगे, और छोटी सी लोई लेंगे जिसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया हम इस तरह से उसके अंदर रखेंगे। रोटी की तरह लोई बना लेंगे हम, और इसको इस तरह से बेल लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा आटा अपने तेल में डाल कर देखेंगे। देखिए, ये आटा डलते ही तेल में ऊपर आ रहा है, तो हम समझेंगे भटूरे बनाने के लिए हमारी कढ़ाई में तेल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको हाथ से भी थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे और इसमें डाल लेंगे। मेरे पास यहाँ पर कढ़ाई छोटी है, तो मैं भटूरे उस हिसाब से बना रही हूँ। आपके पास अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप इनको थोड़ा बड़ा भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम हल्के हाथ से इसको दबा दबा कर सेक लेंगे। गैस फ्लेम को हम यहाँ पर बिल्कुल स्लो कर देंगे, ताकि भटूरे अंदर तक अच्छे से सिक जाएं, कच्चे ना रहें। आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं बनाते टाइम। देखिए, हमारा भटूरा बहुत अच्छे से फूल चुका है। इसी तरह से हम दूसरा बना लेंगे, और एक के बाद एक भटूरे इस तरह से बना करके हम तैयार कर लेंगे। हम भटूरे को इस तरह से दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लेंगे, ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। और किसी प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा कर इसको निकाल लेंगे, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल हमारा निकल जाए। और हमारे भटूरे बन करके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से आप छोले भटूरे बना सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर मुझे फॉलो ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।